कोरोना काल के अंदर नीट और जेईई परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे कि किस तरह से नीट की और जेईई की परीक्षा होगी। नीट का रिजल्ट आ चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नीट के ऑल इंडिया टॉपर जो कि शोएब हैं, खास बातचीत करते हैं। शोएब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। शोएब, आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, आई थिंक उड़ीसा से आप कोटा तैयारी करने आए थे। क्या मकसद था, क्या सोच के आए थे और कितने घंटे पढ़ाई? हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, तो इनिशियली ये सोचा था कि बस सिलेक्शन मिल जाए कोई गवर्नमेंट कॉलेज में। इनिशियली ये सोचा था कि शायद स्टेट में हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर जब मैं आया तो मेरे यहाँ के जो टेस्ट होते थे उसमें रैंक अच्छी आने लगी, तो तब थोड़ा खुद से एक्सपेक्ट करना चालू किया। और फिर आगे जाके, वैसे तो 11th में मार्क्स फ्लक्चुएट करते थे, 12th में जब मैं गया तो मार्क्स कंसिस्टेंट हो गए और मार्क्स बढ़ भी गए। तब थोड़ा प्रेशर भी था उसी मार्क्स को मेंटेन करना, और फिर धीरे धीरे फिर ये सोचने लगा कि शायद टॉप 100 में हो जाएगा। और फिर कोविड का प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उस टाइम पे भी मैं हिम्मत नहीं हारा और मैंने ये सोचा कि इस टाइम को मैं अच्छे यूज़ में लूँगा और जितना हो सके उतनी पढ़ाई करूँगा। जब देश में हल्ला चल रहा था कि नीट और जेईई की परीक्षा कैंसिल की जाए, तो आप क्या सोच रहे थे उस समय, क्योंकि आपने तैयारी तो कर रखी थी? डर तो था कि शायद कैंसिल हो जाए, फिर भी दिमाग में ये भी था कि अगर कैंसिल हो भी जाए बाई चांस तो मैं अगले साल नीट जरूर दूंगा, तो और उसके लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। पर आप नहीं चाहते थे कैंसिल हो? हाँ, पर मैं चाहता तो नहीं था कि कैंसिल हो, क्योंकि आपने आई थिंक प्रिपरेशन कर रखी थी, तो उस ड्यूरिंग आपके दोस्तों से बात हो रही होगी कि यार वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी सारा कुछ? हाँ हाँ, मतलब मेरे ज़्यादातर दोस्त भी इसी फेवर में थे कि नीट इसी साल हो, और इसलिए बस। तो एक सवाल हो रहा है, किस तरह से तैयारी की, क्या आपको किसकी प्रेरणा मिली और क्या सीखने को मिला, घर में किससे सीखा और क्या प्रेरणा मिली, और जो यंग जनरेशन, जो और लोग आगे आ रहे हैं जो परीक्षाएं देंगे आने वाले समय में, उनको क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, इसका मतलब सक्सेस ऑफ स्टोरी क्या है? एलन केरी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था कोटा में, यहाँ के सर ने जैसे जैसे बताया मैं उनके हिसाब से ही करता जाता था, और कुछ पॉइंट्स जो भी मेरे वीक होते थे उसी टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस करता था, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को मैं कम टाइम दिया करता था। और फिर हमेशा यही कोशिश रहती थी कि हर एक पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ और सिली मिस्टेक्स ना करूँ। शोएब, एक सवाल और, मतलब जब कितने घंटे पढ़ते थे और पढ़ाई के बीच में क्या गेम्स वेम्स भी होते थे, दोस्तों से मजाक होती थी या पढ़ते ही रहते थे? हमारे कोचिंग में तो बहुत फन होता था, फन के साथ पढ़ाई होती थी, इसलिए सेल्फ स्टडी का टाइम अगर मैं बात करूँ, स्कूल होती थी पहले सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, और फिर कोचिंग होता था अराउंड 2:30 बजे से 6:30 बजे तक, तो इसके बाद बहुत एग्जॉस्टेड फील होता था और सेल्फ स्टडी का बहुत कम टाइम मिल पाता था। ये जनरल डेज़ में 3 या 4 आवर्स का ही हो पाता था, लेकिन जब कोई भी हॉलीडेज़ होते थे तब मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स पुट अप करता था। आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? मैं अपनी मम्मी को ही अपना आइडियल मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है मेरे को, बस। अच्छा, एक बात बताइए कि जो तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर, क्या आप मानते हैं कि तालीम से बेहतर यह है कि एक देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर्स बन सके, तो मजहबी शिक्षा के बजाय इस तरह की शिक्षा हो कि आप जैसे लोग भी आगे बढ़ सकें? हाँ डेफिनेटली, अगर मैं साइंस का एक मतलब यही कहना चाहूँगा कि साइंस पे ही हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जैसे टाइम्स चेंज होंगे तो हमें चेंजिंग टाइम्स के साथ पेस तो रखना ही है, बस यही पॉइंट है। ये थे शोएब, ऑल इंडिया के टॉपर हैं जो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप सोच लें तो शायद आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये बताया किस तरह का इनका मूल मंत्र था, कौन इनके आइडियल थे, साथ ही इनकी सक्सेस ऑफ द स्टोरी इन्होंने हमारे से शेयर की। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानंदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।